नव निर्वाचित ग्राम प्रधान पर धांधली का आरोप, 14 लाख रुपए के गबन का मामला, उच्च अधिकारी तक पहुंची शिकायत। निर्वाचन के कुछ ही महीनों में 14 लाख के हेर फेर की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक के विकास खंड सोहगी वरवा में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान पर सदस्यों और ग्रामीणों ने विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत उच्च अधिकारी को सौंपी है। ग्राम सभा के सदस्यों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में धांधली कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा सोलर, हैंडपंप, पुल, सड़क आदि के कार्यों में भयंकर धांधली की गई है। मामले को लेकर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत की गई है। शिकायत के बाद कार्रवाई की मांग करते हुए ग्रामीणों ने यह बताया है कि ग्राम प्रधान दूसरे के इशारों पर काम करते हैं और इसीलिए धन का वंदरवाट हो रहा है। सोहगी बरवा महाराजगंज जनपद का वह ग्राम सभा है जो आजादी के बाद भी अभी तक विकास की रोशनी से महरूम है और हर बार बाढ़ का दंश झेलता रहता है। इसी की आड़ में जनप्रतिनिधि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इस ग्राम सभा तक अधिकारियों को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है तथा अधिकारियों को कुशीनगर के रास्ते बिहार प्रांत होकर जाना पड़ता है। विकास कार्यों में इस तरह की धांधली से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और विधायक सांसद तक यहां केवल चुनाव में ही पहुंच पाते हैं। ग्रामीण अपनी शिकायत को लेकर भी काफी परेशान रहते हैं, वो अधिकारियों तक पहुंचने के लिए उन्हें भी काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक लगभग 14 लाख रुपए का भुगतान किया गया लेकिन कार्य नहीं कराए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सोलर लाइट, हैंडपंप, पुल, पुलिया, नाली खनन इत्यादि कार्यों में लगभग 14 लाख रुपए का भुगतान करवाया गया। कुछ ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान एक खास वर्ग मुसहर जाति से आते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने गोद लिया है और उसी का हवाला देकर वह किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने की बात कहते हैं। उनका यह भी कहना है कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं शिकायतों में आम है कि महिला प्रधान को अपने दायित्वों का ज्ञान तक नहीं है, वह किसी विशेष व्यक्ति के इशारे पर कार्य करती है और उनके पति द्वारा अपने जाति का गलत उपयोग करके लोगों को फंसाने की भी धमकी दी जाती है। आम जनमानस में चर्चा है कि धन के लिए उनके पद का गलत तरीके से कोई और इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि धांधली और बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण यह क्षेत्र कई महीनों तक शहरों से कटा रहता है, कई महीनों से मुख्यालयों से दूर रहता है और इसकी आड़ में सरकारी धन निकाल लिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो केवल कागजों में ही संचालित होते हैं। अब देखना यह होगा कि अधिकारी इसकी शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं और जनप्रतिनिधि के अधिकार और दायित्व की रक्षा कैसे की जाती है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के दायित्व और अधिकारों पर अगर ऐसे ही दूसरा कोई कुंडली मारकर बैठेगा तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो सकेगी। टीम जनमंच खबर महाराजगंज। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।